हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू क्रिकेट प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कैरेबियन प्रीमियर लीग, जो कि अब धीरे धीरे अपने फुल फॉर्म में आ रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे सीपीएल के मैच नंबर 7, जिसमें एसटी किड्स पैट्रियट्स का मुकाबला गोना मेजन वॉरियर्स से होगा। यह मैच 5 सितंबर को एसटी किड्स के वार्नर पार्क में खेला जाएगा भारतीय समय से, और यह मैच सुबह 4:30 पे यह स्टार्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्रामिंग दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना, ह्यूमिडिटी 84% रहेगा और टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं कि पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे वार्नर पार्क की पिच बैटिंग के लिए अच्छी है और फील्ड भी तेज होगी, फास्ट बॉल इस जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पिच से रिवर्स स्विंग काफ़ी देखने को मिलता है, जिसके चलते डेथ ओवर में रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब अगर बात कर देंगे विनिंग परसेंटेज देख लेते हैं, जो कि बैटिंग फास्ट है यहाँ पे 40% जीतने का चांस है, जो तो बॉलिंग फास्ट का यहाँ पे 58% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 163 है, वहीं पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 142 है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं दो टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, जो कि एसटी किड्स 4 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर गोना मेजन वॉरियर 6 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम एसटी किड्स का शॉर्ट एनालिसिस करें, जहाँ पे एसटी किड्स ने जीत के साथ टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था, लेकिन अगले 2 मैच में टीम हार गई, टीम 1 जीत और 2 हार के साथ टेबल नंबर 5 पे आ गई है। वहीं पर एंडर्स फ्लेचर जो टीम के कप्तान है, टीम की बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि एंडर्स फ्लेचर एविन लुइस की जोड़ी स्ट्रॉन्ग शुरुआत दे सकती है। लेविस ने लास्ट गेम में 100 रन बनाए थे। नंबर 3 पर जो कि काइल मार्क्स, उन्होंने भी 92 रन बनाए थे। मिडिल ऑर्डर में आपको मिल्की लुइस, टिस्टन स्टार्ट, सैमसन अदर फोर्ड है। बॉलिंग में टीम फ्लॉप चल रही है, 200 का टारगेट भी डिफेंड नहीं करवा पाई। वहीं पे एनलिस नॉजी ओजियन स्मिथ स्पेल के स्टार्ट करेंगे, नॉजी ने टीम के लिए सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए। स्पिन बॉलिंग में तबियत शमसी अमित नेट जो कि खेल रहे हैं, जहाँ पर रियान जोन और काइल मार्क्स टीम को ब्रेक थ्रू कभी भी दिला सकते हैं। अब बात करते हैं स्टिक किस का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि एविन लुइस है, एंड्रे फ्लेचर है, काइल मार्क्स है, मिल्की लुइस है, टिस्टन स्टार्ट है, सैमसन अदर फोर्ड है, ओजियन स्मिथ है, एनलिस नॉजी, तबियत शमसी, रियान जॉन, अहमद नेड है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि काइल मार्क्स है, इवन लुइस है, ट्रिस्टन स्टेप्स है। अब अगर बात करते हैं, यानी दूसरी टीम गोना मेजन वॉरियर का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, टीम ने जहां पे जीत के साथ टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था, अब यह टीम का सेकंड मैच होगा, इमरान ताहिर की कप्तानी करेंगे। टीम पेपर पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। ओपनिंग में बात करें जो कि आपको बैटिंग में रमनुल्ला गुरबाज, गुडाकेश मोटी देखने को मिल सके, दोनों लास्ट गेम में फ्लॉप चल गया था। नंबर 3 पर जो कि साई होप ने सबसे ज़्यादा 41 रन बनाए थे। मिडिल ऑर्डर में आपको कीमो पौध, आजम खान, पावर हीटर सिमरन हेटमायर भी टीम को कभी जीत दिला सकते हैं। लोअर ऑर्डर में आपको हिटिंग में डॉइन पिटोरियस, मारियो साफेट जैसे ऑलराउंडर टीम के एक्सपेक्टर है। बॉलिंग में आपको सेमर जोसफ एंड कीमो पॉल स्पेल की शुरुआत करेंगे। वहीं पर रोमारियो सफेद इस पिच पे बॉल्स पे बाउंस करा सकते हैं। स्पिन बॉलिंग में 3 बॉलर्स है, जो कि गुदाकेश मोटी, इमरान ताहिर, केविन सिलियर टीम को कभी विकेट दिला सकते हैं। अब बात करते हैं गोवाना का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि साई होप है, रमनुल्ला गुरबाज है, सिमरन हेटमायर है, आजम खान है, ड्वाइन पिटोरिया से, रोमारियो साफेट, कीमो पॉल है, इमरान ताहिर, समय जोसफ है, जूनियर सिंक्लेयर है, गुदाकेश मोटी। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि साई होप है, सिमरन हेटमायर है, इमरान ताहिर है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। गोना मेजन वॉरियर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, जो उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं, इससे किड्स आउट ऑफ फॉर्म में दिख रहे हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग मैच विनर भी यहाँ पे गोना मेजन वॉरियर होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बन रहे हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।